हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में A1 टेक में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट लोन हम कैसे ले सकते हैं, वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। दोनों प्लेटफॉर्म आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी एक्सप्लेन करूंगा कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिनसे हम स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। वो सिर्फ आपको स्टूडेंट आपको 30,000 रुपये का स्टूडेंट लोन मिलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या उसमें ऐड चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको थंबनेल और टाइटल में बताया कि 18 साल हमारी उम्र होनी चाहिए एंड 18 साल की अगर आपकी एज है और फ्रेशर हो आप, जिसने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है एंड बेस्ट वेबसाइट है। दोनों प्लेटफॉर्म आज आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कैसे आपको अपना डिटेल फिलअप करना है, कैसे आपको स्टूडेंट लोन लेना है। सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आपका जो भी एजुकेशन रिलेटेड आइडेंटिटी कार्ड हो या मार्कशीट हो वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इंस्टेंट 30,000 रुपये का स्टूडेंट लोन ले सकते हो। काफ़ी वेबसाइट होती हैं, काफ़ी आपने वीडियो भी देखा होगा एंड मेरी ऑडियंस ऐसे भी है जो अपने स्टूडेंट है, काफ़ी मतलब कि अपनी कोचिंग की फीस पे करना चाहते हैं या फिर अपनी कॉलेज की फीस, तो उनको रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी बेसिस आ जाते हैं कि सर हमें कॉलेज की फीस पे करनी है तो हमें कहीं से भी लोन करवा के दे दीजिए, भले ही हमें 20 या 30 हज़ार रुपये का लोन हो। तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्टूडेंट लोन इंस्टेंट ले सकते हो। तो अभी चलते हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आप स्टूडेंट लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलते हमारी वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट लोन के लिए। तो जो स्टूडेंट है अपनी कॉलेज की फीस पे करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग क्लासेस की फीस पे करना चाहते हैं, तो उनको जो नीड पड़ती है वो 10,000, 20,000, 30,000 रुपये तक की नीड पड़ सकती है। तो आज आपको कुछ ऐसे ही एप्लीकेशन बताऊँगा जिनमें आपको इंस्टेंट 30,000 तक का लोन मिल जाएगा। सबसे पहले आप डिस्प्ले देख रहे हो, बड़ा बरो इंस्टेंट लोन, तो ये इसमें बड़े भाई भी बोल सकते हो आप, एक्चुअली कोई बात नहीं है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन का नाम ही ऐसा है। तो इसमें आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोफेशनल सैलरीड और स्टूडेंट, एज आपको मिल जाएगी 18 ईयर्स, 18 साल प्लस आपकी एज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आप यहाँ पे नीचे रीड कर सकते हो कितना इसका प्रोसेसिंग रहेगा एंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा एंड क्राइटेरिया इसका क्या है, जो भी आप सब कुछ आपको रीड करने को दिख रहा है। आप ये अच्छे से रीड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके। तो यहाँ पे आप इसके सारे इंट्रक्शन आपको अच्छे से रीड करने हैं और उसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, वो है स्लाइस। तो स्लाइस को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, क्योंकि बेस्ट मैं आपको इसका सजेशन नहीं दे सकता, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और इसमें हमें एक अच्छी खासी लिमिट भी मिल जाती है। और कुछ इंट्रक्शन है, आप जाके अबाउट सेक्शन में जाके इसका चेकआउट कर लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस यही है कि मैंने कभी स्लाइस यूज़ नहीं किया, अदरवाइज जो भी एप्लीकेशन है जो भी मैं करता हूँ वो सब मैंने यूज़ करके भी देखे एंड इंस्टेंट भी करवाए अपने दोस्तों के। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है, एप्लीकेशन है, वो है क्रेडिट भी एंड इसके अंदर भी हमें कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हमें बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हम 50,000, 30,000, 40,000 का लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट लोन लेंगे तो काफ़ी हमें आसानी से 10,000 से 20,000, 15,000 भी लोन मिल जाएगा। और कुछ इंट्रक्शन है जो भी अबाउट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हो एंड इसकी जो भी क्राइटेरिया वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर फॉलो करते हो तो आपको आसानी से इसके अंदर भी आपको लोन मिल जाएगा। और इसके अंदर एज भी आपको 18 प्लस, मतलब कि अगर 18 साल प्लस आपकी एज है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की बेसिस पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो है बड़ी लोन। तो इसके अंदर भी सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छा है, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, 4.5 की इसकी रेटिंग है एंड 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड भी हैं। तो इसमें आपको अच्छे से अप्लाई करना है एंड इसमें से सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी जो आपके पास अवेलेबल हैं एंड डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशन बताऊंगी इसमें सबको आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको डिटेल बतानी पड़े, जहाँ पे आपको आधार नंबर का ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है, अदरवाइज आपके पास एक कॉलेज की आईडी हो गया, स्कूल की कोचिंग की जो भी आईडी है वो आईडी आपको अपलोड करनी पड़ेगी और आपको आसानी से 10,000, 20,000, 30,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर देना जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।